सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू। भाई आज जो कांग्रेस जीती है महबूब नगर में, ये आवाम की जीत है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। 9 साल से लोग जुल्म का शिकार हो रहे थे, इसमें जो डर के जी रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुल्म से छुटकारा मिल गया, लोगों के एक शैतान का से छुटकारा मिल गया और छोटे बड़े कारोबार वाले आज बहुत खुश हैं महबूब नगर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है सो बहुत खुश रहेंगे। उधर भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है सो 70 सीट से आगे है और सब तरीके से जो आज कांग्रेस का हुकूमत चलने वाली है, देखिए सबको 6 गारंटी के साथ जो दिए, आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो महबूब नगर के अंदर माइनॉरिटी भाई ने एक एक घर से निकल के जो हर एक जने वोट डाले, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और सब लोग जो हमारे एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को जीता है, हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जुल्म का शिकार हुआ था उसका अंत हो गया आज, और आज जो बहुत बड़ी ईद के ऐसा माहौल है। और जय कांग्रेस। मैं मोहम्मद अब्दुल मजीद रामैया बौली, महबूब नगर। ये अल्लाह का करम है कि यहाँ पर आज जो जुल्म हो रहा था महबूब नगर में, उस जुल्म का खात्मा हुआ है। और उस जुल्म के लिए सारे हिंदू भाई मुसलमान भाई 5 साल से जो नौ साल से जो गुजर डर के जी रहे थे, आज उसका अंत हुआ है। यह हर जुल्म का अंत एक ना एक दिन होने वाला है। और कांग्रेस को भी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको लेकर चलें और अच्छे से अच्छे फैसले करें, सब अच्छे रहें। और ख़ासकर मैं एक बिजनेसमैन हूं, जो बिजनेसमैन को सामने जो जालियां लगाकर फुटपाथ लगाकर जो दुकान वालों को जो तकलीफ़ दिए हैं, वो फौरी मैं एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो फौरी यहां से फुटपाथ और जालियां निकाल दिए, तो हमको जो कारोबार करने के लिए आसान, गाड़ियाँ ठहरने के लिए भी बहुत ही आसान होगा। मैं एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, और ख़ासकर रेवंत रेड्डी साहब जो मेहनत कर रहे हैं यहां पर तेलंगाना में, उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। जो पिछली दफ़ा जो कांग्रेस कर रही थी उसको भुलाकर नए सिरे से तेलंगाना में नई कांग्रेस, नया काम, नया जोश से काम करे। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, खुदा हाफिज। जय ముఖ్యంగా ఈ రోజు మాబూనర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ, మాబూనర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా। అసలైన నిజమైన తెలంగాణ ఈ రోజు మనకు ఏర్పడ్డది। మాబూనగర్ లో దౌర్జన్యానికి నిన్న నిదర్శనం, నిన్న రెండు ఎలక్షన్ అయినాక కూడా దౌర్జన్యాలు ఆటంకాలు జరిగినవి, నిజమైన తెలంగాణ। మరియు మాబూనగర్కు ఈ రోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజుగా అందరూ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు। జై తెలంగాణ, జై కాంగ్రెస్, జై।